टू आपके पेपर बी का। हो गया है, जो आपको मेरी चैनल पे मिल जाएगा ठीक है तो इसमें मैंने सेपरेट प्ले लिस्ट बनाई है पेपर ए की और पेपर बी की पेपर बी की प्ले लिस्ट में फर्स्ट चैप्टर आपको वहां से इजिली अवेलेबल हो जाएगा अगर अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप वो जाके देखें ठीक है तो ये जो हम कवर कर रहे हैं पेपर बी ये नितिन सांगवान सर की लेटेस्ट एडिशन से कवर कर रहे हैं इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा उसको ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक पे जाना होगा जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दी है वहाँ पे मैं चैप्टर वाइज पीडीएफ जो है वो अपलोड कर रही हूँ जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया तो फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली कल हमारा चैप्टर टू भी कम्प्लीट हो जाएगा तो कल चैप्टर टू का पी भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं तो जरूर ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप को ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन सोसाइटी बट बिफोर वी प्रोसीड फर्दर एज यू ऑलवेज से डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं तो शुरू करें इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन सोसाइटी इसका जो बेसिक है वो आपको हिस्ट्री में क्लियर हो गया होगा काफी हद तक क्योंकि हिस्ट्री uh, में इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हम पढ़ते हैं सारा वो इसी के अराउंड बिल्ट है हमें पता है कॉलोनियल रूल जो था ये 1700 हंड्रेड से लास्ट किया था नाइनटीन फोर्टी तक इंडिया में तो इस दौरान सोसाइटी के रिलेटेड काफ़ी चेंजेस आई इंडियन सोसाइटी में ठीक है सोशल इंस्टीट्यूशन चेंज हुए कल्चरल फ्रंट पे काफ़ी चेंजेस आई हमें वेस्टर्नाइजेशन का प्रोसेस देखने को मिला जिसको कॉइन किया गया था किस के थ्रू एम एन श्रीनिवास ने आ, आ, टर्म जो है यूज़ किया था कि हम जब वेस्टर्न के लाइफ स्टाइल को कॉपी करने की उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं उसको वेस्टर्नाइजेशन बोला जाता है ठीक है तो जो ट्रेडिशनल फैब्रिक था इंडियन सोसाइटी का उसमें काफ़ी चेंजेस आई इट केम इन टू कॉन्फ्लिक्ट विद मॉडर्निटी फाइन और भी देखते हैं सोशल मोबिलाइजेशन स्टार्ट हो गई अगेंस्ट कॉलोनियल क्योंकि जो कॉलोनियल प्रैक्टिस थी वो डिमीनिंग थी इंडियन सोसाइटी के लिए वो इंडियन सोसाइटी को इनफीरियर समझते थे तो काफी उनकी ऐसी पॉलिसीज आती थी जिसको टाइम टू टाइम काउंटर किया गया थ्रू इंडियन नेशनलिस्ट तो वो सारी चीजें बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन है थोड़ा बहुत ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इंडिया अंडरवेंट ऑलमोस्ट टू हंड्रेड इयर्स ऑफ कॉलोनियल रूल ये आपको पता है मेनी कॉलोनियल पावर्स जो थे इंडिया में आके अपना जो है रूल वो स्टैब्लिश करने की करने उन्होंने ट्राई की थी लेकिन सक्सेसफुल उसमें कौन रहे थे ब्रिटिशर्स तो कौन कौन से कॉलोनियल पावर्स यहाँ आए थे आई होप आपको ये पता होगा पोर्टुगीज आए थे डच आए थे फ्रेंच आए थे और ब्रिटिश आए थे पी बी करके आप याद रख सकते हो ठीक है ब्रिटिशर्स पर्तुगीज डच एंड फ्रेंच ये सारे आए थे लेकिन ब्रिटिशर्स ही सक्सेसफुल रहे थे ये क्यों सक्सेसफुल रहे थे इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जो थी वो मिनिमल थी वो बेसिकली कब से स्टार्ट हो गई थी जब एटीन का रिवोल्ट आ गया था और क्राउन रूल के हाथ में चला गया था इंडिया उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो है रूल कर रही थी कमर्शियल एज कमर्शियल बॉडी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी आल्सो वो एक क्या थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी ठीक है तो प्राइवेट उनको गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस उतनी नहीं थी और वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ का सारा जो कमर्शियल आस्पेक्ट है बिजनेस वगैरह वो देख रहे थे तो इस वजह से वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे यहाँ रूल करने में कॉलोनियलिज्म एंड कैपिटलिज्म जो है इट लेड टू कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया इंटू द वर्ल्ड इकॉमी इन ए सब सीवेंट मैनर मतलब उतना ज़्यादा ये सक्सेसफुल या उतना ज़्यादा ये आप बोल सकते हो थ्राइव नहीं हुआ था काफ़ी लो की इंटीग्रेशन जो है इंडिया का वर्ल्ड इकॉनमी में हो रहा था कॉलोनलिज्म एक तरफ से था ठीक है क्योंकि एक कॉलोनी थी ब्रिटिश की एंड एक कैपिटलिज्म क्योंकि वो वो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो वो इस्टेब्लिश कर रहे थे तो हुआ क्या था उनका यहाँ पे कैपिटलिज्म या इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश करने का मोटिव जो था वो कोई अच्छा मोटिव नहीं था उसके पीछे हिडन मोटिव था कि उनको अपना प्रॉफिट चाहिए था मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा होता क्या था रॉ मटेरियल्स यहाँ से चीपली एक्सपोर्ट करते थे वहाँ से फिनिश्ड गुड्स लाते थे उसको महंगे दामों में यहाँ पे बेचते थे और एज अ रिजल्ट इसने क्या किया डोमेस्टिक कि इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया तो डोमेस्टिक मार्केट आपका खत्म हो गया क्योंकि तब ऐसा बोला जाता था हर घर एक छोटी फैक्ट्री थी ट्रेडिशनल वर्क में लोग इन्वॉल्व uh, थे हैंडीक्राफ्ट वगैरह सारे ये सारी चीज़ें घर से होती थी लेकिन अब आपके पास मशीनरी आ गई ठीक है और बाद में जो आप प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल्स यहाँ के हैं उनको बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो और यहाँ पे लेके आ रहे हो आप अपने फिनिश प्रोडक्ट्स तो यहाँ पर आपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ नहीं किया मतलब चीज़ें यहाँ मैनुफैक्चर नहीं हो रही हैं चीज़ें बाहर मैनुफैक्चर हो रही हैं यहाँ पर बस आप फिनिश गुड्स का आपको एक मार्केट मिला है ठीक तो इससे क्या हुआ हमारा जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वो काफ़ी कम था एज कम्पेयर टू अराउंड थर्टी परसेंट ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी टू ठीक है उसके थर्टी परसेंट जो था वो हमारा जीएनपी था और इकोनॉमिक ड्रेन भी हो रहा था जिसको यहाँ के जो इकोनॉमिस्ट थे आर सी दा तो दादा भाई नेहरू जी जैसे उन्होंने सामने लाया कि यहाँ पे इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा है जो भी यहाँ पे थोड़े बहुत पैसा आ रहा है वो किस पे स्पेंड हो रहा है वो ब्रिटिश आर्मी पे ब्रिटिश मिलिट्री पे स्पेंड हो रहा है ठीक है उनको अपग्रेड करने में लगे हुए हैं और उनकी सैलरीज वगैरह वो सारे वो उसी पैसों से दे रहे हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ की ब्रिटिश अपनी चला रही है वो यहाँ के पैसे से चला रही है और जो प्रॉफिट है सारा वो बाहर जा रहा है इसकी वजह से जो हालत थी वो काफ़ी बुरी थी इंडिया की उस टाइम पर एंड इनफैक्ट यहाँ पर ग्राफ भी बना हुआ है ये अगर हम देखें वर्ल्ड जी के कंपेरिज़न में परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड जी इंडिया का कितना था तो जब ब्रिटिशर्स आए थे सेवनटीन में ये है तो हम यहाँ थे कहीं पे तो हमारा वेस्टर्न यूरोप से भी उस टाइम पे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड जीडीपी में लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये क्या हो गया डिक्लाइन होता गया ठीक है और उनका क्या हुआ इंक्रीज़ होता गया तो ये हालत है कि यहाँ जब वो आए थे तो इंडिया की उनसे बेटर कंडीशन में थी था इंडिया लेकिन उनके आने के बाद उनकी पॉलिसीज के बाद वो क्या हो गया इंडिया काफ़ी ज्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो गया हमें क्या करना है इस टॉपिक में सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म हमें पता है यूरोपियंस के आने के बाद एक अच्छी चीज़ हुई कि उन्होंने यूनाइट किया टेरिटोरियल इंटीग्रेशन आई इंडिया में क्योंकि उन्होंने सिमिलर लॉज जो है इंडिया के नॉर्थ टू साउथ एंड यहाँ से वेस्ट टू ईस्ट अगर हम नॉर्थ ईस्ट को थोड़े टाइम साइड में भी रखें बाकी हर जगह उन्होंने क्या किया एक यूनिफॉर्म रूल लेके आए नॉर्थ ईस्ट में अब क्या प्रॉब्लम थी क्योंकि जोग्रफिकल उनको जोग्रफ़िकल लिमिट्स काफ़ी फ़ेस करनी पड़ी वो एरिया थोड़ा कट ऑफ रहता था इस वजह से वहाँ की पॉलिसीज़ भी थोड़ी वो अलग लाते थे अदरवाइज़ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट उन्होंने क्या किया एक किया टेरिटोरियल इंटीग्रिटी आई अब वो यूनिटी वननेस वाली फीलिंग आई इंडिया को इन लोगों को पता चला हमें कोई एक एंटिटी रूल कर रही है तो हम इक्वली एक्सप्लॉयड हो रहे हैं सभी तो वो सारी फीलिंग्स ब्रिटिशर्स के आने से आ गई ठीक है तो वो आपका जो इंडियन नेशनलिज्म है बेसिकली हम बोलते हैं मॉडर्न सेंस में कब स्टार्ट हो गया ट्रू सेंस में ब्रिटिश रूल के टाइम पे तो उसका क्या बैकग्राउंड था वो किन रीजंस की वजह से हुआ उसका पॉलिटिकल रीजन क्या था इकोनॉमिक रीजन क्या था कल्चरल रीजन क्या था वो सारा हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पहले मैं देखती आपको विजिबल है है ये ठीक अब इट इज डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट द एग्जैक्ट पीरियड इन हिस्ट्री जब मॉडर्न नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ इंडिया में लेकिन जनरली बोला जाता है ये आपके ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो मॉडर्न नेशनलिज्म है ट्रू सेंस में स्टार्ट होना शुरू हो गया क्योंकि पैन इंडिया कॉन्शियसनेस कब आ गई आपके कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे तो वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मैंने कहा ठीक है उन्होंने यूनिफाई किया इंडिया को जोग्रफिकली और इकोनॉमिकली भी क्योंकि जो लॉज़ वगैरह वो लेके आए थे वो इक्वली एक्सप्लॉयटेटिव थे सबके लिए और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी क्योंकि वो रूल कर रहे थे सेम तरीके से ऑलमोस्ट पहले एक स्टेट में वो एक लॉ जैसे वो लेके आते थे चेक करने के लिए कैसा रहेगा बाद में वही लॉज वो बाकी बाकी स्टेट्स में भी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते थे एंड सेकेंडली वास्ट कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क आ गया था इन द फॉर्म ऑफ टेलीग्राफ न्यूज़ प्रिंट चीप पोस्टल सर्विस ये सारी चीज़ें कब आई थी ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स के आने के बाद आई थी तो जहाँ उन्होंने ने फायदे के लिए लाई थी लेकिन इंडिया में भी इसका एक फायदा हो गया अब आइडियोलॉजी जो जो है वो होने लगी, जो है वो वो ट्रैवल ट्रैवल होने होने लगी आइडियाज लगे दैट अगर कोई ये आइडिया रखता है कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ सही नहीं कर रहे हैं वो इंसान ट्रैवल कर रहा है ट्रेन के थ्रू उसकी मोबिलिटी ईजी हो गई फिर ट्रेन में क्या होते हैं लोग मिलते हैं बातचीत करते हैं डिस्कशन होते हैं तो लोगों के साथ साथ आइडियाज भी ट्रैवल करने लगे तो एक इसके लिए अच्छा हुआ इंडिया के लिए अच्छा हो गया कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन और डोमिनेशन जो थी इट्स कार्ड द इंडियन सोसाइटी मेनी वेज बहुत तरीकों से इसको एक्सप्लॉइट किया था हर सेक्शन का अपना ये था ग्रज फॉरेन रूल के अगेंस्ट एंड दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ द फॉरेन रूल ब्रिटिशर्स ट्राइड दे बेस्ट टू डिवाइड द पॉपुलेशन टू सप्रेस द राइट ऑफ कॉमन ने फीलिंग बट दे क्रन सक्सीड क्योंकि अल्टीमेटली सक्सेस किसको मिली इंडिया को नाइनटीन फोर्टी सेवन में जो बैकग्राउंड है ऑफ द राइट ऑफ नेशनलिज्म ये इसमें लाइक करता है इन द पिक्यूलर सोशो इकोनॉमिक नेचर ऑफ द कॉलोनियल रूल जिसने डिवास्टेट किया था सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ द इंडिया को मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया ग्रीव इन द बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन एंड पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियंस इंडियन की पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन भी हो रही थी ठीक है उनको रूल किया जा रहा था पॉलिटिकली एक फॉरेन एंटिटी के थ्रू जो एंटिटी उनके बारे में नहीं सोचती थी उनका मेन क्या काम था सब्जुगेट करना इंडियंस को और यहाँ पे यहाँ से जाके मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो एक्सट्रैक्ट करना इंडिया से और इकोनॉमिक ड्रेन हो रही थी क्योंकि यहाँ का सारा पैसा कहाँ जा रहा था प्रॉफिट सरप्लस कहाँ जा रहा था वो सारा बाहर जा रहा था और जो यहाँ की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला था कहाँ से ब्रिटिशर्स के थ्रू बाइल जो कॉलोनियल रूलर्स हैं इस्टेब्लिश फ्री ट्रेड विद इंडिया फॉर देर एक्सपोर्ट गुड्स एंड नो टैरिफ प्रोटेक्शन वॉज गिवन टू द फ्लेजिंग इंडियन इंडस्ट्री तो बेसिकली फ्री ट्रेड क्या होता है ये अग्रीमेंट होता है दो कंट्रीज करती हैं अपना टैरिफ रिड्यूस करने के लिए टैक्सेस रिड्यूस करवाने के लिए तो वो उनका भी वन साइडेड था कि ब्रिटिश प्रोडक्ट्स यहाँ पे आके महंगे जा रहे यहाँ पे जब आ रहे थे यहाँ लोग उनको महंगे रेट्स पे खरीद रहे थे ठीक है और रॉ मटेरियल्स यहाँ से जो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे वो सस्ते में एक्सपोर्ट हो रहे थे तो उनका फ्री ट्रेड भी वन साइडेड था जिससे सिर्फ उनको बेनिफिट मिल रहा था और इंडियन

जो आपकी सर्विस इंडस्ट्री है और जो सेकेंडरी सेक्टर है जहां पे आपका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह आता है वो इंडिया में ज्यादा बूस्ट नहीं हुआ इवन आज भी कंडीशन यही है और ये स्टार्ट भी कहां से हुआ था आपके ब्रिटिशर्स से भी क्योंकि उन्होंने यहां मैन्युफैक्चर करने के लिए चीजों को कुछ खास काम नहीं किया था आप इंडिया को इज ए एक क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ वर्ल्ड सिस्टम थियरी भी ले सकते हो उस टाइम के इंडिया को जो वॉलस्टीन ने दी थी जिसमें हमने क्या कहा था कोर पेरीफ्री एंड सेमी पेरीफ्री कंट्रीज होती हैं जिससे बेनिफिट्स एंड रॉ मटेरियल चीप लेबर एक्सपोर्ट करते हैं कहाँ से पेरीफ्री एंड सेमी पेरीफ्री कंट्री से टैक्स स्ट्रक्चर भी छा वो भी टैक्स टैक्स ट्र, स्ट्रक्चर जो था वो भी अन था काफी ज्यादा ठीक है प्रेजेंट्री जो थे उनको काफी ज्यादा टैक्स देना पड़ता था और देखो अगर हम टैक्स देते हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हमें बेनिफिट्स भी देती है अगर हम टैक्स भरते हैं तभी हमें आ, हमारे लिए ऐसी पॉलिसीज लेके आई जाती हैं हम पे पैसा स्पेंड होता है हमारे वेलफेयर के लिए सोचा जाता है रोड्स बनती हैं ब्रिजेस ये सारी चीजें इन पे काम होता है लेकिन लोगों को टैक्स भी किया जाता था साथ में उनको कोई फायदा भी नहीं था और उनकी कंडीशन बहुत बुरी भी थी तो ये सारा काम है जो

तो मेजरली किस में इन्वॉल्व थे एग्रीकल्चर में उनकी टैक्स पॉलिसी ऐसी थी कि प्रेजेंट्स को कोई फायदा उसमें नहीं हो रहा था आगे देखते हैं मनी लेंडर्स लैंड लॉर्ड मिडलमेन मेड द सिचुएशन वर्स एंड दे टू फाउंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ शेयर क्रॉपर्स टेनेंट्स एंड लेबर्स मोर अट्रैक्टिव देन इन्वेस्टिंग इन एग्रीकल्चर अब होता क्या था जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करने के लिए इनको प्रेशराइज करते थे मनी लेंडर्स लैंड लॉर्ड्स वगैरह मिडिलेन को और ये कहाँ से पैसे लाते फिर इनको फर्दर क्या करना पड़ता था इनको ज्यादा एक्सप्लॉयट करना पड़ता था शेयर क्रॉपर्स टेनेंट्स लेबर्स वगैरह को ठीक है तो जो शेयर क्रॉपर्स जो सबसे लोएस्ट तबका था एग्रीकल्चर का वो ज्यादा एक्सप्लॉयट हो रहा था क्योंकि एक उनको जमींदार्स भी एक्सप्लॉयट कर रहे थे और ब्रिटिश के ब्रिटिशर्स के हैंड्स पे वो तो एक्सप्लॉयट हो ही रहे थे आपके जो शेयर क्रॉपर्स होते हैं ये लोएस्ट इसमें आते हैं लोएस्ट वाली कैटेगरी में इनके पास बेसिकली क्या होता है इनके पास जो टूल्स पेस्टिसाइड्स वगैरह जो यूज करने होते हैं वो भी अपने नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू टेनेंट्स जिनके पास एटलीस्ट ये चीज़ें अपनी होती हैं और एक घर भी होता है जो हो सकता है जहां पे काम कर रहे हैं जिन लैंड पे उसी के आसपास ये कहीं रहते हूँ पर शेयर क्रॉपर्स जो होते हैं लैंडलेस भी होते हैं कोई हाउस भी नहीं होता है और बाद में जो काम भी कर रहे होते हैं उसके लिए जो चीजें जरूरत होती है वो भी इनकी अपनी नहीं होती हैं ठीक है तो इनकी डबल एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे सेवेंटी परसेंट ऑफ द लैंड जो थी वो किसके पास थी लैंड के पास थी और लैंडलेसनेस जो था वो काफी ज्यादा हाई था उस टाइम पे इस वजह से बाद में क्या हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद कुछ लैंड रिफॉर्म्स लेके आए थे ताकि लैंड्स की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए लेकिन ये भी कुछ ही स्टेट्स जैसे जे एंड के हो गया वेस्ट बंगाल वगैरह सिर्फ वहाँ पे सक्सेसफुल रहा ठीक है आपका जो नक्सल मूवमेंट है वो सारा इसी लैंड के अराउंड बिल्ट हुआ था क्योंकि लैंड की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही थी जो ब्रिटिश ये सारी चीजें हमें आगे पढ़नी है आप इसमें अभी ये नहीं हो जाना कि अभी मैंने आपको क्या बोल दिया जो ब्रिटिश रूल है इन्हें ट्रांसफॉर्म किया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया का नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स आ गए नए प्रोविसेज नए ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी आ गए ठीक है रूल ऑफ लॉ जो था वो स्टैब्लिश हो गया अब देखो रूल ऑफ लॉ आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा इसमें क्या आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वेलिटी बिफोर लॉ दो चीजें इसमें आती हैं तो जब वो रूल ऑफ लॉ लेके आए थे क्या वो ट्रू सेंस में लेके आए थे नहीं उनका ये एक्चुअली uh, सिर्फ रिटन ही था ट्रू इट वाज नॉट ट्रू इन इट्स स्पिरिट ठीक है उन्होंने कहीं भी इंडियंस को अपने इक्वल नहीं रखा था लेकिन इसका एक फ़ायदा क्या हुआ इंडियंस गॉट इंट्रोड्यूस टू दिस कॉन्सेप्ट कि रूल ऑफ लॉ जैसी कोई चीज भी होती है दैट मीन्स अगर हम फाइट बैक करें तो हमें भी इक्वल समझा जाएगा अपने इन किससे ब्रिटिशर्स से द इंडियन पोलिटिकल सिस्टम वॉज ऑल्सो इम्पेक्टेड एज द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी बिकेम पॉपुलर इन इंडिया ठीक है एंड ओल्ड मोनारकिल्स बिकेम वीक अभी तक क्या था फ्यूडल सिस्टम ही था आपका चल रहा था ठीक है उससे पहले क्या थे मुगल्स के अंडर थे अब तो एक मोनार्कल इंस्टीट्यूशन था एक किंग था जो आपको रूल कर रहा था अब डेमोक्रेसी इक्वालिटी फ्रीडम ऐसी सारी चीजें जो है इंडियंस गॉट इंट्रोड्यूस टू दिस कॉन्सेप्ट ये अभी इंडियन सोसाइटी में अप्लाई नहीं हुआ था लेकिन इंडियंस को पता चला कि वर्ल्ड वाइड ऐसा भी हो रहा है लोगों को ऐसे भी रूल किया जाता है आई आपका फॉर्म हुआ था एटीन में एंड सो दीज ऑफ राइज ऑफ़ न्यू पीपल सेंट्रिक पॉलिटिकल मूवमेंट्स ठीक है आप इंडियन नेशनल कांग्रेस का पता ही एटीन एटी फाइव में बना था एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट लेड टू द पॉलिटिकल यूनिटी एज वेल एज हेल्थ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया तो ये सारी जो चीजें हो रही थी पोलिटिकल यूनिटी आने लगी इंडियंस में क्योंकि अब उनको एक तरीका मिला रूल करने का पहले तो किंगशिप ही थी किंग ही होता था ठीक है अब उनको मॉडर्न चीजें मिली मॉडर्न डिवाइस मिली मॉडर्न ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी की इस तरीके से हम रूल कर सकते हैं हमारे पास पेटिशंस का तरीका होता है ठीक है अपनी बात पुट फॉरवर्ड करने का कोई काउंसल्स बनती हैं कोई असेंबलीज होती हैं तो ये सारे है, ये कब आने लगे इंडिया में ब्रिटिशर्स के साथ आके, तो एक तो ब्रिटिशर्स ने लाया था ये एक्सप्लोय करने के लिए इंडियंस को लेकिन फायदा क्या हो रहा था इंडियंस को नई नई चीजें पता चल रही थी ठीक है तो ये हो गया जो इम्पैक्ट पड़ा था एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पे इंडिया के कल्चर फिर में क्या हुआ नई एजुकेशन पॉलिसीज आ गई अब आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया मॉडर्न एजुकेशन का जो अभी तक इंडिया में प्रेजेंट नहीं था ठीक है ऑल दो वो अपने मोटिव के लिए सारी चीज़ें लेके आते थे ताकि उनको एक इन्फीरियर रेस ऑफ इंडियंस मिले जो ज़्यादा से जो एडमिनिस्ट्रेटिव के एडमिनिस्ट्रेशन के लो पेड जॉब्स हैं वो कर सके इस वजह से वो जो है इंग्लिश एजुकेशन यहाँ पे लाने के फेवर में थे लेकिन इसका ये क्या हुआ एक लेटेंट इफ़ेक्ट क्या हुआ इसका कि इंडियंस जो है वो इंट्रोड्यूस हो गए मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से और मिशनरी एक्टिविटीज भी साइड बाई साइड यहाँ पे चल रही थी जैसे आपके क्रिश्चन मिशनरीज आए थे यहाँ पे मेनली जो किसमें इन्वॉल्व थे आपके कन्वर्जन में इंग्लिश एजुकेशन इट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द ओल्डर सिस्टम ऑफ एजुकेशन वन हैंड एंड ओपन एवेन्यूज ऑन द अदर हैंड वेस्टर्नाइजेशन जो था इट दिस प्रोसेस लेड टू द चेंज ऑफ कल्चरल वैल्यूज रूरल और अर्बन एरियाज में एंड न्यू मीनस ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रेंथन द प्रोसेस ऑफ वेस्टर्नाइजेशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी वो पोर्ट टाउन कोस्टल एरियाज वगैरह जो थे दे वर द वन विच आर मोस्ट एफेक्टेड बाय द ब्रिटिश रूल क्योंकि ये इमर्ज हुए थे सेंटर्स ऑफ न्यू इकनॉमिक एंड पोलिटिकल एक्टिविटी तो मोस्टली वो जैसे फैक्ट्री फैक्ट्रीज वगैरह भी सेटअप करते वागेरा थे कोस्टल एरियाज में करते थे क्योंकि समंदर के थ्रू बाद में इनको एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ रॉ मेटीरियल इजी हो जाता ठीक है कॉन्ट्रेडिक्शन ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ ब्रिटिश रूल वर एक्सपोज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इकोनॉमिक फील्ड में बाय दादा बाई नेहरूजी एंड आर आर इन्होंने इकोनॉमिक ड्रेन की बात करी कि कैसे जो यहाँ का सारा प्रॉफिट है वो कौन ले जा रहा है वो ब्रिटिशर्स ले जा रहे हैं और इंडिया में कुछ भी नहीं रहता है यहाँ पर सिर्फ टेक्नीशियन हो रही है यहाँ क्योंकि उस टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज़माना था तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रही थी इकोनॉमिक वाइज वर्ल्ड वाइड में ठीक है इंग्लैंड वगैरह काफ़ी ज़्यादा वहां पे प्रमोशन हो रही थी तो वो चीज़ें वहां पे काफ़ी सुधर रही थी और इंडिया में क्या हो रहा था डी इंडस्ट्रलाइजेशन चल रही थी वो डी इंडस्ट्रलाइजेशन कैसे चल रही थी यहाँ पे एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ काम नहीं हो रहा था ठीक है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए कुछ नहीं कर रहे थे लोगों की ऑलरेडी बुरी हालत थी और ऐसे में आप उनको कह रहे थे कैश क्रॉप्स जो है आप वो उगाओ कैश क्रॉप्स वो हो गए जो बाद में आपको प्रॉफिट देंगी ठीक है जो आप अपने कंजम्पशन के लिए यूज नहीं करते हो जो आप आ, अपने बिजनेस के लिए क्रॉप्स जो है वो आप आ, यूज करते हो फॉर एग्जाम्पल टी कॉफी वगैरह ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है कैच क्रॉप्स के लिए उनको फोर्स किया जा रहा था और वीट राइस वगैरह ये सब चीजें उनको अवॉइड करने के लिए बोला जाता था तो पैसे उनके पास थे नहीं ये चीजें आप उनको खाने वाली चीजें उगाने नहीं दे रहे हो तो बेसिकली सारा किस लिए चल रहा था ब्रिटिश इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए वो टेक्निकल एजुकेशन जो आपको इंडस्ट्रीज में काम आएगी उसके लिए भी बूस्ट करने के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहे थे ब्रिटिशर्स तो इस सारी चीज़ों को हम हमसे बोल, बोलते हैं एक नाम से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की इंडियन इकॉनोमी की हो रही थी एग्रीकल्चर एज ए प्राइमरी सेक्टर रिमेन हाईली बैकवर्ड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट सम चेंजेस इन द क्रॉपिंग पैटर्न वॉज फोर्स टू सूट द नीड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल इकॉनॉमी ऑफ ब्रिटेन ठीक है जो अनकुलवल कंट्रोल था ओवर द फोर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सपोर्ट ऑफ सरप्लस प्लस इट वॉज एक्सपोज अर्ली नेशनलिस्ट लोग कंपेयर करने लगे जो पहले की हालत थी इंडिया की ठीक है इट वॉज कंट्रास्ट विद द पॉवर्टी एब्जेक्ट पॉवर्टी ऑफ द ब्रिटिश इंडिया जो ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडिया की हालत हो गई मिडिल ऑफ सेवनटीन सेंचुरी में जो इंडिया था इसका ट्वेंटी फाइव परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था ग्लोबल जी डी पी के पे जो मैंने आपको अभी ग्राफ में भी बताया और ब्रिटिशर्स के एंड तक ये कहाँ पहुंचा था फाइव लेस देन फाइव परसेंट ठीक है तो जो स्वदेशी मूवमेंट था जिसमें इंडिया के डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को बूस्ट करने की बात की गई थी इट फर्दर स्ट्रेंथन लॉयल्टी टू द नेशनल इकोनमी वो नेशनल इकॉनमी के लिए काफी अच्छा रहा ियल एंड एंटी ब्यूरोक्रेटिक आइडियोलॉजी ठीक है तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हिस्ट्री में आपने पढ़ ली है बस थोड़ा सा उसका सोशल सोशियोलॉजिकल से आप चीजें देखोगे टी इंडस्ट्रियलाइजेशन वही सारी बातें जो मैंने बताई एक बार इसको पढ़ लेना कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाए तो मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल अगेंस्ट ब्रिटिश इट रिक्वायर्ड पोलिटिकल है तो पहली सिग्निफिकेंट जो मूव था इस वे में वो किसने किया था था जो हुआ में क्योंकि अगर उनको लोगों को मोबिलाइज करना है अगेंस्ट ब्रिटिश और एक अच्छे वे में करना है प्रॉपर फॉर्मेट ऑर्गेइज वे में करना है तो उसके लिए आपको भी एक प्रॉपर पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो सामने आई थी आई एनसी के रूप में में प्री कांग्रेस पार्टीज भी बनी थी वो बाद में लेकिन क्लब होकर उन्होंने आई ही ज्वाइन करना

1917 के अराउंड ठीक है तो काफ़ी सारी चेंजेस जो है इंडियन सोसाइटी में पॉलिटिकल फ्रंट पे भी आ रही थी मॉडर्न एजुकेशन एंड एक्सपोजर टू लिबरल आडियलॉजीज़ इसने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म ठीक है वेस्टर्नाइजेशन जो था इट एक्सपोज इंडियंस टू द आइडियाज ऑफ लिबर्टी डेमोक्रेसी एंड सेल्फ रूल जो वेस्टर्न एजुकेशन थी दैट ब्रिटिश इम्पॉटेड ऑन इंडियंस टू टर्न देम इनटू अ चीप लेबर आल्सो एक्सपोर्ट एक्सपोज सम इंडियंस टू लिबरल आइडियाज़

जिसने बाद में सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया हिस्ट्री इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में जो अर्बन मिडिल क्लास है वो मेन कैरियर ऑफ नेशनलिज्म थे इन फॉर्मेटिव ईयर्स एंड इट लेड टू द कैंपेन फॉर फ्रीडम ठीक है इन नई क्लासेस कम्युनिटीज में अर्बन मिडिल क्लास काफी इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि सबसे पहले इंट्रोड्यूस हो गए थे ये वेस्टर्न एजुकेशन से और मासिस के साथ इनके कनेक्ट की वजह से इनके जो आइडियाज थे वो कहाँ तक ट्रैवल किए थे मासिस तक द इमर्जिंग मिडिल क्लास बिगैन विद द एड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड लिबरल आइडियाज टू चैलेंज द कॉलोनलिजम ऑन इट्स ओन ग्राउंड आपके राजा राम मोहन रॉय वो इसी कैटेगरी इसी क्लास को बिलोंग करते थे दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑन द कल्चरल एंड द सोशल फ्रंट विच सॉलिफाइड इमरजेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिटी एट द नेशनल एंड द रीजनल लेवल ठीक है तो काफी ज्यादा कम्युनिटीज जो है नेशनल और रीजनल लेवल्स पर सामने आना शुरू हो गई लीडर्स फ्रॉम द मिडिल क्लास ऑल्सो फॉर्म अर्ली पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेश्स अब कॉलोनियल इंटरवेंशन जो थी ऑल्सो क्रिस्लाइज रिलीजन एंड कास्ट बेस्ड कम्युनिटीज दे टू बिकेम मेजर प्लेयर्स इन द प्रमोशन ऑफ नेशनलिज्म क्योंकि उनकी आइडेंटिटी को अटैक किया गया क्या हुआ था अगर आपने पढ़ा होगा ये रिवोल्ट का ही एक ट्रिगरिंग पॉइंट क्या था 1857 का वो काटरेज वाला कि जो गन्स में उनको वो काटरेज वो यूज करते थे इट हैड टू बी बिटन ऑफ बाय द माउथ ठीक है और उसमें उनको ऐसा बोला जाता था उनको ग्रीस किया गया है विद काउ एंड पिग फैट तो पिग फैट मुस्लिम्स के लिए था अनएक्सेप्टेबल एंड काउ फैट हिंदूज के लिए ठीक है तो ये रिलीजन पे उनके अटैक होने लगा था रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट लेके आए थे वो कि अगर आप कन्वर्ट करोगे तो तो भी आपकी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वहां से मिशनरीज वाला काम भी वो चला रहे थे ठीक है बाद में सिक्स को टर्बन और बियर्ड वगैरह रखने में भी मुस्लिम्स को वो भी इशू आ रहा था तो आपकी रिलीजन कल्चर पे हर साइड से अटैक हो रहा था तो उनका भी काफ़ी फिर हाथ रहा था इस वजह से भी वो क्या हो रहे थे नेशनलिज्म उनमें भी प्रमोट हो रहा था और उनका भी काफ़ी बड़ा हाथ रहा था फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट में तो फाइनली उन्हें क्या किया डिक्लेयर किया फ्रीडम ऑफ स्वराज एज अ बर्थ राइट एंड दस दे फॉट फॉर द पोलिटिकल एंड द कल्चरल इकोनॉमिक फ्रीडम कि उनको इन चीजों में फ्रीडम चाहिए सोशल रिफॉर्म्स रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन राय दयानंद सरस्वती वगैरह दे ऑल्सो प्रीच नेशनलिज्म इन्होंने भी काफी इसमें जो है इनका भी काफी बड़ा हाथ रहा है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये कौन सी वॉर है आपकी रिवॉल्ट ऑफ 1857 इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है इट्स सॉट टू रिवाइव द ग्लोरियस पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री और अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा जब ये रिवॉल्ट हुआ था मीरठ से स्टार्ट होके वो चले थे जो भी सोल्जर्स वगैरह वहां के थे तो वो जब दिल्ली आए थे उन्होंने सबने डिक्लेयर किया था कि बहादुर शाह जफर जो उस टाइम के लास्ट मुगल एम्पर रह गए थे कि वो हमारे सिंबल रहेंगे 1857 का वो हमारा कॉमन लीडर रहेगा ठीक है वो बहादुर शाह जफर जो है हमारे कॉमन यूनिफाइड लीडर हैं एटीन फिफ्टी के तो इससे क्या हुआ वो एक यूनिटी काइंड ऑफ प्रोडेक्ट अपनी यूनिटी जो है वो डिस्प्ले करने की वो कोशिश कर रहे थे और जो ग्लोबली जो इवेंट हो रहे थे जैसे रशियन रेवोल्यूशन या इटली को हराया था इथोपिया ने एक छोटे से नेशन ने तो इसकी वजह से भी नेशनलिज का मोरॉल काफ़ी बढ़ रहा था अगेंस्ट कॉलोनियल रूल तो देखो जो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म है उसको इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे करके बनाया है तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो पॉलिटिकल अवेकनिंग हो रही थी इकोनॉमिक फैक्टर्स थे आपके वो इकोनॉमिक ड्रेन वगैरह करिज्मेटिक लीडर्स सामने आए थे जिन्हें सोशल रिफॉर्म में काफ़ी काम किया रूल ऑफ लॉ इक्वाली बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ठीक है इससे लोग क्या हो रहे थे वो इंट्रोड्यूस हो रहे थे इस आडियलॉजी से न्यू मीनस ऑफ कम्युनिकेशन आई जिससे आइडियाज़ जो है आइडियलॉजीज ईजिली ट्रैवल हो रही थी एजुकेशन एंड आइडियाज़ आ गए वेस्टर्न मॉडर्न एजुकेशन आ गई तो आपको इक्वालिटी लिबर्टी फ्रीडम ये सारे कॉन्सेप्ट का पता चला नया नया क्लास स्ट्रक्चर आ रहा था जब हमने अभी पढ़ा अर्बन मिडिल क्लास आ रही थी ठीक है वो वेस्टर्न एजुकेटेड थे मासेज से कॉन्टैक्ट में आने के बाद उन्होंने अपने आइडियाज़ को मासिस में जो है वो फैलाने की कोशिश की अग्रेरियन डिस्ट्रेस चल रहा था उनकी टैक्स पॉलिसीज़ कैसी थी शेयर क्रॉपर्स टेनेंट्स टेन एबली एक्सप्लॉइड हो रहे थे तो ये इसका अपने नोट्स में आप ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हो यही पॉइंट सारे जो है इन डिटेल हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं तो नेशनलिज्म इन इंडिया जो है अरोज एज ए रिजल्ट ऑफ प्लुरैलिटी ऑफ फैक्टर्स काफी सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे हमने देखे हैं इट पास थ्रू वेरियस स्टेजेस ठीक है एंड विच आर मार्क बाई वेरियस फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट इनिशियल पॉलिटिकल मूवमेंट किससे डॉमिनेटेड था मॉडरेट नेशनलिस्ट से फिर आपके एक्सट्रीमिस्ट भी आ गए थे रेवल्यूशनरी टेररिस्ट वगैरह भी आ गए थे ए आर देसाई ने कहा था इंडियन नेशनलिज्म जो है मिक्स ऑफ मल्टीपल सब नेशनलिस्ट स्ट्रीम्स थे एज डिफरेंट सोशल ग्रुप्स है कॉलोनियल रूलर्स ठीक है जैसे आपके जो रिलीजन ऑरियंटेड थे उनकी अपनी प्रॉब्लम चल रही थी ठीक है और जो आपके ये थे पॉइज थे जो ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे उनकी अपनी प्रॉब्लम चल रही थी कि उनको सैलरी इक्वल नहीं मिल रही थी उनको वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती थी ठीक है और आपके जो ये एग्रीकल्चर रिलेटेड लोग थे उनका अपना टैक्सेशन पॉलिसीज उनकी ठीक नहीं थी तो हर ग्रुप का अपना कोई ग्रज था कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट द बिगेस्ट faction इन दी substream was the द Islamic इस्लामिक नेशनलिज्म rose रोज एज अ रिजल्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल अब सबसे बड़ा ब्रिटिश ने क्या काम किया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जिसका रिजल्ट हमने फाइनली किस में देखा टू नेशन theory में इंडिपेंडेंस के टाइम पे जिसकी वजह से पाकिस्तान अलग नेशन बना था ये बेसिकली इसके seeds कब शो हुए थे एटीन फिफ्टी सेवन के रिवॉल्ट के बाद क्योंकि एटीन फिफ्टी सेवन में क्या हुआ था हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो थी वो काफी ज्यादा हाई देखने को मिली थी बड़े हाई लेवल पे तो तब ब्रिटिशर्स को रियलाइज हुआ कि अगर हम ऐसा कोई आगे रिवॉल्ट फर्दर अवॉइड करना चाहेंगे तो सबसे पहले हमें ब्रेक करनी है यूनिटी इंडियंस की तो हमें हिंदू मुस्लिम को जो है वो आपस में लड़वाना है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करनी है तो तब की उनकी क्रिएट की हुई डिवाइड एंड पॉलिसी रूल पॉलिसी जो है वो उसके इम्पैक्ट हम कभी कहीं ना कहीं अभी भी देखने को हमें मिलता है जो फाइनली इंडिपेंडेंस के टाइम पे टू नेशन थेरी के सामने सामने के रूप में सामने आया था अदर हर्डल्स एज वेल एज इन द रज ऑफ नेशनलिज्म इंक्लूडिंग कास्टिज्म कम्यूनलिजम पोर रिस्पांस ऑफ सादर्न प्रोवेंसेज जबकि ड्राउ ड्राविडेंस वगैरह थे तो ये इसके अगेंस्ट उनको लग रहा था ब्राह्मणिकल आइडियलॉजी हम पे ये इम्पोज करना चाहते हैं डिवाइसी पॉलिटिक्स पोर रिस्पॉन्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एंड रीजनलिज्म वगैरह ये सारी प्रॉब्लम्स भी हैं जो सामने आ रही थी जिसकी वजह से वो इंटिग्रेशन सही से नहीं हो पा रही थी

यूगो ये अलग इंडिपेंडेंट नेशंस में डिवाइड हो गया था फाइव में तो इन सब चीजों को हम बाल्कनाइजेशन इन जनरल टर्म बोलते हैं ताकि इंडिया जो है इंटीग्रेटेड रहे और ये जो सारी चीजें हमने प्रॉब्लम्स पे देखी इन सब चीजों की वजह से इसकी बाल्कनाइजेशन ना हो ये जरूरी था कि जो नेशनलिज्म स्पिरिट है वो ज्यादा डेवलप हो और जो रीजनल स्पिरिट है रीजनलिज्म है वो इन लोगों में कम रहे वाइल्ड द राइज ऑफ नेशनलिज्म इसको वेलकम किया था मोस्ट ऑफ द सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी में कुछ ऑपोजिशन भी था पेरियर जो थे आपने इनका नाम सुना होगा साउथ रिलेटेड मूवमेंट्स में दि द गांधी आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एज एलियन टू नैशनलिज्म आपके कौन से लोग हो गए यहाँ साउथ वाले जो इन वाली स्टेट्स में आते हैं ठीक है ड्राविडियन लैंग्वेज ग्रुप के जो लोग हैं वो उन वो उनको लगता था कि हम पे ब्राह्मणिकल कल्चर इंपोज किया जा रहा है हावट द मोस्ट सीरियस इम्पेडिमेंट किसके रूप में सामने आया था टू नेशन थेरी के सामने जिसमें फिर क्या हुआ था फाइनली पाकिस्तान एक अलग नेशन बना था देखते हैं सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म ये ए आर देसाई का पर्सपेक्टिव यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ए आर देसाई हमें पता है मार्क्सिन पर्सपेक्टिव के थिंकर थे मार्क्सिन आइडियोलॉजी के तो इन्होंने क्या किया होगा सब चीजों को मटेरियल कंडीशन से रिलेट किया होगा कि पहले हम फ्यूडलिस्टिक स्टेज में थे तब भी एक्सप्लॉयटेशन थी फिर आपके जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने यहाँ पे कैपिटलिज्म वाला स्टेज लेके आए थे लेकिन एक्सप्लॉयटेशन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया फर्दर जो एक्सप्लॉइट हो रहे थे वो यूनाइट होकर उन्होंने एक रिवोल्ट जो है वो सोसाइटी में लेके आए थे तो यही सारी चीजें हैं और कुछ एडिशन होंगी इसमें वो आप इस टॉपिक में पढ़ोगे खुद ही ये वाला क्योंकि ये आपके लिए इजी होना चाहिए समझने के लिए अगर आप मेरी वीडियोस को अच्छे से फॉलो कर रहे हो मैंने ए आर और मार्क्सन को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है आप एक बार पढ़ लेना अगर समझ में नहीं आया तो आप कॉमेंट कर सकते हैं मुझे मेल कर सकते हैं मैं आपकी जो भी डाउट होंगे इसके रिगार्डिंग वो दूर कर दूंगी तो राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म है इट हैज़ बीन स्टडीड फ्रॉम डिफरेंट सोशलॉजिकल परस्पेक्टिव ऑल्सो हिस्टोरियन जैसे रोमिला थापर या के एम पानीर स्टीवनसन उन्होंने कहा डिस्पाइट इन्वेजन मिक्सिंग एंड कॉन्फेंटेशन एक सिंगल डोमिनेंट कल्चर जो है वो इंडिया में कभी भी एग्जिस्ट नहीं आ, किया है हमेशा यहाँ पर कंपोजिट कल्चर रहता था जिसमें डिफरेंट कल्चर जो है वो इकट्ठे रह रहे हैं कंपोजिट कल्चर वाला कॉन्सेप्ट है इंडिया में और यही चीज़ एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है फंडामेंटल ड्यूटी में ही बोला गया है इसको मेंटेन करने के लिए तो आर्टिकल कौन सा है अगर आपको पता होगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ एज अ रिजल्ट कम्पोजिट कल्चर इवोल्व इन सच एन एनवायरमेंट नेशनलिज्म कॉमन सिंगल कल्चर हेरिटेज बट इट डेवलप्ड अंडर द सेम कॉलोनियल आइडियोलॉजी विच इट फॉर्ट अगेंस्ट तो जिस कॉलोनियल आइडियोलॉजी के अगेंस्ट सारे थे उसके अंडर एक कंपोजिट कल्चर जो यहाँ पर डेवलप हुआ था इंडिया में कोई एक डोमिनेंट कल्चर जो है इंडिया में वो कभी भी नहीं रहा है अनदर परिज्म इन इंडिया जो था हिस्टोरिक सिर्फ रिवाइटलाइज किया था ठीक है इसमें नई जान नई थी ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड अदरवाइज नेशनलिज्म है ये पहले से इंडिया में प्रेजेंट था अकॉर्डिंग टू दिस पर स्पिरिट है इट वॉज इनवोक थ्रू दी इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्रेडिशन बाई वे ऑफ इनवोकिंग पास्ट ग्लोरी ठीक है जैसे आर्य समाज जो थे उन्होंने क्या किया था शुद्धि मूवमेंट और कॉल दी थी गो बैक टू वेदास तो इन सब चीजों से इनने क्या किया था दे ट्राई टू इन्वोक द पास्ट ग्लोरी क्या गया रिवाइवल ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स किसने किया था शिवाजी फेस्टिवल्स इन गणपति फेस्टिवल बाय तिलक तो इन्होंने इन फेस्टिवल्स को रिवाइवल किया इनका रिवाइवल किया था तो उस टाइम पे इनका क्रिटिसिज्म भी हुआ था इस चीज को लेके कि ये इंडियन नेशनल जो फ्रीडम मूवमेंट है उसमें रिलीजस या रिलीजन को भी साथ में मिक्स कर रहे हैं तो इस वजह से भी काफी ज्यादा जो फैक्शन है वो डेवलप होना शुरू हो गए थे उस टाइम के इंडियन नेशनल मूवमेंट में कांग्रेस में मार्क्सिस्ट आर्ग्यूड दट देशनलिजम इन इंडिया इन द पिकुलर मटीरियलोनियल रूल थे मार्क्सिस्ट का कहना है प्लेटफॉर्म किसके लिए मोबिलाइज करने के लिए डिफरेंट क्लासेस को जिनके डायवर्स रीजन थे मतलब हर किसी का कोई अपना ग्रज था और वो उस वजह से फाइट कर रहा था अगेंस्ट कलोनियल रूल तो ये होता है आपका बड़ा टॉपिक खत्म दो टॉपिक सिंपल है ये ईजी है अगर आप एक दो बार ही पढ़ोगे तो भूलोगे नहीं आपको क्या करना है इसमें बस इस डायग्राम को याद रखना है और आपको इन हर जो पॉइंट है इसके तीन चार सब पॉइंट्स याद रहने चाहिए ठीक है वो आपको इसका एक आंसर कॉन्टेक्ट कॉन्टेंट बनाने में हेल्प करेंगे तो ऐसे एक बारी पढ़ाने में काफी बड़ा टॉपिक लगता है लेकिन जब आप इसको रिवाइज करोगे इस फॉर्मेट में तो फिर आपको इतना बड़ा ही नहीं लगेगा तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन ये हम इसी टॉपिक वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बाद हमारे दो तीन छोटे टॉपिक्स रहते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और ये चैप्टर वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे तो मॉडर्नाइजेशन होता क्या है यहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन मिलेगी सेट ऑफ एटीट्यूड्स विच आर नॉट स्पेसिफिक टू एनी कल्चर कल्चर न्यूट्रल होते हैं इनका मतलब होता है हम एक्सेप्ट करते हैं न्यू आइडियाज अ टाइम सेंस दैट मेक्स वन इंटरेस्टेड वन इंटरेस्टेड मोर इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर इंस्टेड ऑफ़ पास्ट तो पास्ट की बात है पास्ट से हटना बेसिकली और ज़्यादा किस पे ध्यान देना प्रेजेंट पे और फ्यूचर पे फेथ इन रैशनैिटी ऑफ थॉट्स करना एंड बिलीव इन द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस तो ये इन्हें एलेक्स एलेक्स इंकल्स ने डेफिनेशन हाँ, दी थी इसकी मॉडर्निटी की इससे आपको समझ में आएगा मॉडर्निटी होता क्या है, है तो सिंपल सी चीज़ ही आपको वैसे ही पता है मॉडर्न होता क्या है होना

जब आपका आउटलुक साइंटिफिक और रैशनल हो जाता है तब आप मॉडर्न कहलाते हो जब आप सिर्फ इमिटेट कर रहे हो वेस्ट को तो आप वेस्टर्न हो रहे हो तो जरूरी नहीं एक वेस्टर्न बंदा मॉडर्न हो और ये भी जरूरी नहीं कि एक मॉडर्न बंदा वेस्टर्न हो ठीक है तो ये डिफरेंस जो है थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए सम सोशल थिंकर्स दे व्यू मॉडर्नाइजेशन एज एन एंटी ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज की उससे अगेंस्ट उसके एंटी है ये एंड बाइनरी ऑफ ट्रेडिशनल मॉडर्न फ्रेमवर्क सच थिंकर इनके लिए मॉडर्न क्या है जो आपका आज का नया जमाना है ट्रेडिशनल वैल्यूज क्या है वो आपके मॉडर्न के एंट्री है इसलिए इन्होंने बाइनरी फॉर्म में ट्रेडिशनल और मॉडर्न डायकोटोमी हमें दी थी किसने मैक्स वेबर ने उन्हें कहा था इंडियन ट्रेडिशन जो है इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज उसको देखा था और वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन को इन टर्म्स ऑफ दी मटीरियल वैल्यूज हाइट लेकिन हिस्टोरिकली हमारे पास अकाउंट्स है लाइक अर्थशास्त्रा या और पंचतंत्रा स्टोरीज जिनमें काफी एविडेंस है दैट इलस्ट्रेट दट पीपल यूज टू मेक प्रेगमेटिक व्यूज इवन ड्यूरिंग द एंशेंट टाइम्स एंशेंट टाइम में भी लोग रैशनल थे ठीक है तब भी उनके लॉजिकल व्यूज होते थे तो आप ये नहीं कह सकते थे कि वो लोग बिल्कुल मॉडर्न नहीं थे एंड द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ अनब्रोकन हिस्ट्री रही है इंडिया के ऑफ मोर देन फोर्टी फाइव हंड्रेड ईयर्स इट इज अ टेस्टिमनी दैट वी हैव बीन वेरी रेजिलेंट एज वेल एज रेस्पॉन्सिड टू चेंजेस ठीक है तो कोई अगर कंट्री कोई ट्रेडिशन नेशन 4500 इयर्स से चलता आ रहा है आप ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ट्रेडिशन है क्योंकि जो बिल्कुल ट्रेडिशनल होगा वो नई चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करेगा कहीं पर रिवोल्ट नहीं करेगा कहीं पर एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो वो क्रम्बल हो जाएगा अगर किसी की कॉन्टिन्यूटी इतने सालों से है तो आपको उसको क्रेडिट देना होगा योगेंद्र सिंह ने क्या कहा था मॉडर्नाइजेशन इज अ फॉर्म ऑफ कल्चरल रिस्पॉन्स इसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं बेसिकली यूनिवर्सलिस्टिक एंड एवोल्यूशनरी ये पैन ह्यूमनिस्टिक है ट्रांस एथनिक है एथनिक बाउंड्रीज को भी क्रॉस करता है नॉन आइडियोलॉजिकल है इसमें कोई एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी आप इंपोज नहीं कर सकते हो दो मॉडर्न थाट्स हैव बिन अ पार्ट ऑफ ऑल कल्चर्स इंक्लूडिंग इंडियन एंड कल्चर एंड सोसाइटी अक्रॉस टाइम एंड स्पेस एक जो रैपिड प्रोसेस है मॉडर्नाइजेशन का मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन का वो कब स्टार्ट हुआ था जब ब्रिटिश रूल आया था यहाँ पे ठीक है तो मॉडर्न जो इंडियन ट्रेडिशन है ये एक्चुअली कब मॉडर्नाइज होना शुरू हुआ जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे ये किसका कहना है योगेंद्र सिंह का ठीक है ये प्रोसेस यूनिडनल नहीं था क्योंकि जहां मॉडर्नाइजेशन हो रही थी मॉडर्नाइजेशन इसी प्रोसेस में जो मॉडर्न है ये भी ट्रेडिशनलाइज हो रहा था इसका क्या मतलब हुआ मॉडर्न का भी ट्रेडिशनलाइज होना साथ साथ का फॉर एग्जांपल आप वैष्णो देवी जाते हो ठीक है वैष्णो देवी जाते हो लेकिन अब आप हेलीकॉप्टर्स में वहां जा रहे हो तो कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर में कहीं जाना एक मॉडर्निटी की निशानी एक मॉडर्न टूल है जो इन्वेंट हुआ था लेकिन वो यूज करके आप कहाँ जा रहे हो एक ट्रेडिशनल जगह पे जा रहे हो तो जहां पे ट्रेडिशनल मॉडर्न हो रहा है आपका मॉडर्न भी ट्रेडिशनल हो रहा है ठीक है आप जैसे आप क्या करते हो आपको अगर किसी पंडित से बात करनी है आप स्काइप यूज कर रहे हो ये आप जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो क्या करते हैं जैसे एस्ट्रोलॉजी टॉक एक काफी फेमस ऐप है तो वो क्या कर रहे हैं वो मॉडर्न टूल्स को यूज कर रहे हैं अपने आइडियाज को पुट फॉरवर्ड करने के लिए जो आइडियाज कहीं ना कहीं ट्रेडिशन से आते हैं तो ये यूनिलिनियर प्रोसेस नहीं है जैसे वेस्ट में हुआ था कि ट्रेडिशन खत्म हुआ और मॉडर्न स्टार्ट हुआ यहाँ पे दोनों चीजों की इंटरमिक्सिंग हो रही है

दीपांकर गुप्ता ने मिस्टेक इन मॉडर्निटी में क्या कहा था कि मॉडर्निटी तो इन इंडिया इट हैज टू बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सोशल हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंडीशन ऑफ डिफरेंट रीजन एंड सोशल सेगमेंट्स ऑफ द कंट्री तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा इस पैराग्राफ में कि हर थिंकर ने थोड़ा मॉडर्निटी को लेकर कुछ अलग अलग बातें कही हैं काफी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है इसमें जैसे लुइस डॉम का नाम भी आ गया एंथनी गिडन्स का नाम भी आ गया ठीक है गिडन्स का नाम भी आ गया इन्होंने क्या कहा था दी आर मल्टीपल मॉडर्निटीज तो ये एक ही आप याद रखोगे दीपांकर गुप्ता ने मिस्टेक इन मॉडर्निटी लिखी थी उसमें इन्होंने कहा था तो ये कुछ कुछ आपको इस पैराग्राफ से मिल जाएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मीन ऑफ कम्युनिकेशन लाइक रेलवे टेलीफोन टेलीग्राफ हेसन ऑफ मॉडर्नाइजेशन इंडिया क्योंकि क्या हो रहा है आइडियाज वगैरह भी ट्रेवल कर रहे हैं नई एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सिस्टम जो है चेंज द द सोशल आउटलुक ऑफ पॉपुलेशन नई जॉब्स जो थी चेंज द दुपेशन स्टैंड लिटरेचर और आर्ट मेड द कल्चरल साइकोलॉजिकल इंपैक्ट तो इन सब चीजों से क्या हो रहा था हम ऐसा ऐसा हमारा जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का वो चेंज हो रहा था Urban middle class they acted as a nascent carrier of the modernization as this class was the one who came फर्स्ट इन कॉन्टैक्ट विद द मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज वो कौन से हैं आपके अर्बन मिडिल क्लास हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था एजुकेशन जो है बिकेम अ बिग सिंबल ऑफ मॉडर्नाइजेशन और इसने इन्फ्लुएंस किया सारे ट्रेडिशनल आस्पेक्ट्स को लाइक फूड हैबिट्स को ड्रेसिंग को लैंग्वेज को योगेंद्र सिंह ने इसमें क्या कहा था मॉडर्नाइजेशन नॉट ओनली इंपैक्टेड कल्चरल आस्पेक्ट्स बट ऑल्सो इम्पैक्टेड स्ट्रक्चरल आस्पेक्ट्स तो जहाँ पे आपका कल्चर चेंज हो रहा है आपका स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है नई क्लासेस जो है वो इमर्ज हो रही हैं दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपका स्ट्रक्चरल चेंज आ रही है सोसाइटी में जैसे हमने पढ़ा कल्चरल चेंज अगर हुई तो अगर इंडिया चार कास्ट में डिवाइडेड था ब्राह्मण और तो अगर एक लो कास्ट हाई कास्ट जा रही है तो वो आपकी कल्चरल चेंज है क्योंकि जो स्ट्रक्चर है चार वर्नास का चार कास्ट का वो वही रह रहा है लेकिन अगर कोई नई क्लास इमर्ज हो रही है सोसाइटी में दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर बना है क्लास स्ट्रक्चर वो भी चेंज हो रहा है तो ये सारी चीजें किससे आ रही थी मॉडर्नाइजेशन से पॉलिटिकल फेयर में भी मॉडर्नाइजेशन की वजह से क्या हो गया डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो थे दे रिप्लेस योर ट्रेडिशनल फ्यूडल इंस्टीट्यूशन ठीक है मॉडर्न वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअलिज्म लिबर्टी वगैरह ये सब सोसाइटी में आ गई इकोनॉमिक्स फेयर में क्या हो रहा था कैपिटलिज्म एंड मार्केट जो थे दे हैव लार्जली रिप्लेस द ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन कंजम्पन ठीक है तो इकोनॉमिक्स फेयर में भी चेंज आ रही थी तो बेसिकली इस टॉपिक में क्या हम पढ़ रहे हैं कि हर जो एरिया था चाहे वो सोशल हो कल्चरल स्ट्रक्चरल पॉलिटिकल इकोनॉमिक हर एरिया में क्या हो रहा था एक मॉडर्निटी आ रही थी या चेंज मॉडर्न चेंज आ रही थी हम ट्रेडिशनल चेंज से थोड़ा हट रहे थे ठीक है मॉडर्नाइजेशन हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन द फेयर ऑफ रिचुअल्स एंड रिलीजन ऑल्सो ये रिलीजन और रिचुअल मॉडर्निटी के इन्फ्लुएस में आके क्या कर रहे हैं सेक्युलर एंड्स एंड मॉरल्स के लिए कुछ कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल रिलीजन जो है फोकस करता है स्कूल्स हॉस्पिटल्स वगैरह पे भी ठीक है तो ये सेक्युलर काम जो है रिलीजन अपार्ट फ्रॉम जो इसका डेली वो रिचुअल वाला काम होता है वो भी उस पर भी फोकस कर रहा है देखो शादियाँ ये रिलीज मैरिज वगैरह ये एक क्या है ये एक रिचुअल रिलेटेड और रिलीजन रिलेटेड चीज़ है अब देखो मॉडर्नाइजेशन का कैसे इम्पैक्ट इस पर भी पड़ रहा है अब शादियों में पंडित कौन होगा या रिचुअल्स कैसे परफॉर्म करेंगे ये मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं होता है हम अपनी शादी में कितने ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुन्शल इंसान को इन्वाइट कर सकेंगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो उसका जो रिचुअल आस्पेक्ट था कहीं ना कहीं वो डिक्लाइन हो रहा है और मॉडर्निटी के इन्फ्लुएंस के अंडर आके आप इसको एज अ मैटर ऑफ शो ऑफ ज्यादा प्रमोट कर रहे हो ठीक है रिलीजियस लीडर्स जो है वो टेक्नोलॉजी को भी अब यूज करने लगे हैं अपने आइडियाज़ प्रमोट करने में जैसे अलग अलग फाउंडेशन के सोशल मीडिया पेजेस बने हुए हैं जहाँ पे वो वीडियोस अपलोड करते हैं या ई e दर्शना जो है वो डिवोटीज के लिए ऑप्शन अवेलेबल हो गए जहाँ वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं टेम्पल्स में तो ये सारी चीज़ें जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्निटी आ रही हैं

रिलीजियस सेलिब्रेशन uh, जो है उनके भी अब सेक्युलर मीनिंग्स हो गए अब ईद दिवाली बैसाखी वगैरह सारे इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं एट दिस स्टेज इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश अदर सिमिलर साउंडिंग कॉन्सेप्ट्स लाइक सोशल चेंज वेस्टर्नाइजेशन फ्रॉम मॉडर्नाइजेशन सोशल चेंज इज अ वैल्यू न्यूट्रल टर्म एंड कैन बी इन एनी डायरेक्शन ठीक है सोशल चेंज आपकी नेगेटिव भी हो सकती है रिग्रेसिव भी हो सकती है फॉर एग्जांपल आप रिलीजियस बेस्ड आइडियोलॉजी को स्प्रेड करो राइट विंग आइडियोलॉजी को सोसाइटी में स्प्रेड करो तो वहां पे सोशल चेंज उल्टी जा रही है रिग्रेसिव हो रही है संस्क्रिटाइजेशन इज अनादर एग्जाम्पल वेयर चेंज इस कल्चरल एंड कम्युनिटी अडॉप्ट लाइफ स्टाइल ऑफ द अपर कास्ट और ग्रुप्स लेकिन मॉडर्निटी में हमने देखने हमें देखने को मिला क्या हो रहा है थॉट प्रोसेस जो है इंसान का आउटलुक जो है वो चेंज हो रहा है वो रैशनल हो रहा है सिमिलरली अच्छा सिमिलरली द चेंज इन फूड हैबिट्स एंड अटायर दैट इंडिया हैजर गॉन इन द पास्ट सेंचुरी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वेस्टर्नाइजेशन बट नॉट ऑफ मॉडर्नाइजेशन जिससे मैंने पहले भी कहा आप ड्रेस किसी का अडॉप्ट करो किसी का ड्रेसिंग सेंस इसका यह मतलब नहीं आप मॉडर्न हो रहे हो वॉट एवर इज़ कंटेम्प्ररी इज ऑल्सो नॉट मॉडर्न और अगर आप वेस्टर्न हो रहे हो दट डज नॉट मीन क्या मॉडर्न हो रहे हो ग्रोथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन इंडिया डेंट गो कंप्लीटली अनचैलेंज अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हाँ थी इट वॉज हिंडर्ड बाइ अंडसिसंस ऑन मिस्टिसम एंड की आफ्टर लाइफ पे ध्यान दो मटीरियल लाइफ करंट लाइफ पे ज्यादा हमें फोकस नहीं करना चाहिए एट टाइम्स कॉल टू द ग्लोरियस पास पास्ट ही अच्छा था इट लेट टू द डायलेक्टिकल सिचुएशन जिसमें क्या हुआ जो ट्रेडिशनल चीजें थी उन्होंने चैलेंज किया किसको मॉडर्न चीजों को इंडिविजुअलिज्म इसको प्रोमिनेंस मिली थी मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में हमें पता है मॉडर्न इंटी की निशानी है ग्रोइंग इंडिविजुअलिज्म लेकिन इंडिया में क्या हुआ था कास्ट जो है एंड रिलीजन ये स्ट्रॉन्ग होता रहा और ना कि इंडिविजुअलिज्म टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन जो है एंड लिटरेचर वर आल्सो यूज टू डिस्कवर एलिमेंट्स ऑफ ट्रेडिशन तो बेसिकली मॉडर्न चीजों को यूज कर रहे हो ट्रेडिशन को ज्यादा इम्पोज करने के लिए ट्रेडिशन को ज्यादा ग्लोरीफाई करने के ठीक है इस वजह से क्या हुआ था इम्पेडिमेंट पुट किया गया था पार्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन में इंडियन सोसाइटी में फॉर एग्जाम्पल जैसे कास्ट इज नाउ कन्फाइंड टू द इज नाउ नॉट कन्फाइंड टू द रिचल्स फेयर ओनली हमारे पास कास, कास्ट एसोसिएशन और कास्टिज्म जैसी चीजें जो हैं काफी स्प्रेड हो गई हैं जो थ्रेट हैं टू तो द डेमोक्रेसी There are many social thinkers who do not acknowledge that overall concept of modernization.

वगैरह है मॉडर्निटी ने सिर्फ उनको क्या किया है अपलिफ्ट किया है उनकी हेल्प करी है और उनको स्ट्रॉन्ग बनाया है विद टाइम और जो मार्जिन ग्रुप वाले लोग हैं वो इस वाले कॉन्सेप्ट से और ज्यादा वीक हो गए हैं ड्यू टू मेनी स्ट्रक्चरल इनकॉन्सिस्टेंसीज लाइक ब्यूरोक्रेटाइजेशन विदाउट यूनिवर्सल वैल्यूज ठीक है और डेमोक्रेटाइजेशन विदाउट स्प्रेड ऑफ एजुकेशन क्या आप एजुकेट नहीं कर रहे हो लोगों को डेमोक्रेटाइजेशन होता क्या है बेसिकली और लोगों को पता ही नहीं है डेमोक्रेटाइजेशन के बारे में मॉडर्न लेजिशन लेके आ रहे हो लेकिन रूल ऑफ लॉ का कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है इन चीजों की वजह से जो मॉडर्नाइजेशन है वो काफी सिलेक्टिव रही है इन केस ऑफ इंडिया एज ए रिजल्ट डेमोक्रेटिक एंड नेशनलिस्टिक इंस्टीट्यूशन जो है वो अनिमली ग्रो कर रहे हैं तो ये सारी चीजें क्या करती है मॉडर्निटी के पाथ में आप बोल सकते हैं पुट करती हैं मॉडर्नाइजेशन इंडिया कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल पीरियड हैड सर्टेन साइड इफेक्ट्स आल्सो जो आपका ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम है वो डैमेज हो गया था कल्चरल वैल्यूज जो हैं उनको इन्फीरियर बताया गया था इन ए प्रेजेडिस्ट मैनर कि आप ज्यादा मॉडर्न होने की कोशिश करते हो तो कहीं ना कहीं आप अग्री कर रहे हो जो ट्रेडिशनल आपकी वैल्यूज थी वो इन्फीरियर थी वो इन लेम टर्म्स और दयान उसी वैल्यूज थी इसीलिए आप मॉडर्निटी की तरफ जा रहे हो एजुकेशन जो है वो वर्स्ट सफर था एंड देर वॉज एबसेंस ऑफ मास एजुकेशन अलॉन्ग विद ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन आप खत्म कर रहे हो वो गुरु शिष्य आपने रिप्लेस किया लेकिन उसको रिप्लेस करके कोई ऐसी जो है मास एजुकेशन को जो बेनिफिट करे वैसे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं लेके आ रहे हो प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एक लॉब साइड था दैट मीन्स एक साइड ज़्यादा था एक साइड कहीं नहीं था सम रिजन जो थे बेनिफिट किए थे अदर रिजन जेंट विच लेट द फाउंडेशन ऑफ द रीजनल बेस इनइक्वालिटीज आ गई इंडिया में रूरल अर्बन इनक्वालिटीज जो थी वो टाइम से ज्यादा डीपन हो गई एंड वर एंड रिपोकॉशन आर फेल्टवन टूडे और वो जो रू रूरल अर्बन इनइलिटी है रीजनल बेस इनईक्वालिटीज़ है ये सारी चीजें हमें अभी भी देखने को मिलती हैं करंट इतने सालों के हमारे आज़ादी के बाद भी ठीक है तो ये आपका कंप्लीट होता है इसका सेकंड टॉपिक भी तो आप साथ साथ आई होप ये रिवाइज़ कर रहे हो ये चीज़ें भूल जाती हैं सिंपल लगती हैं पर एग्ज़ाम में रिकॉल करना मुश्किल होगा फिर तो साथ साथ रिवाइज़ करो कोई प्रॉब्लम है इस सब चीज़ों में तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं टिल द टाइम है आप नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर हैव ए ग्रेट डे